हेलो माय आर्ट लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइक्राफ्ट्री स्टूडियो। आई एम मनीषा स्वाई। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेल। तो आज का जो वीडियो है ये एक DIY है जिसमें मैंने एक पुरानी CD का इस्तेमाल किया है और ये CD मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई थी पुरानी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पर डॉट पेंटिंग करें जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और बच्चे ये वाले को करें, इस आर्ट को करेंगे तो फिर उन्हें पसंद भी आएगा। तो मैंने इसमें क्या किया, ये CD ले लिया है, इसको ब्लैक कलर से मैंने बेस को पेंट कर दिया है, फिर एक रफ़ डिज़ाइन बना दिया है। तो बेसिकली मैं इसमें लैंडस्केप बनाने वाली हूँ और मैंने टूथपिक का इस्तेमाल किया है। टूथपिक से हम बहुत छोटे छोटे डॉट्स लगा सकते हैं इसमें। तो अगर आपके पास टूल्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप टूथपिक, पेंसिल के बैक साइड को और जो भी कोई भी चीज़ जो पॉइंटेड हो उससे, या पीछे से थोड़ी फ्लैट हो या राउंड शेप में हो, आप यूज़ कर सकते हो डॉट्स बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने ये, मैं अभी सनराइज़ बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने टूथपिक के इस्तेमाल से छोटे छोटे डॉट्स यूज़ करके बना लिए हैं। जब भी आप डॉट्स बनाएं तो उस डॉट्स में आपको कैसे बनाने वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जब भी आप डॉट बनाएंगे, जैसे आपने फर्स्ट आपको सेंटर लेना है, सेंटर लेने के बाद आपको क्या करना है, डॉट्स आपने बना दिया। डॉट्स बनाने के बाद आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप दो डॉट, जब आप सेकेंड लाइन बनाएंगे तो आपको दो डॉट्स के बीच में एक डॉट लगाना है और वैसे ही उस पैटर्न को फॉलो करते जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अब येलो सनराइज़ में बना रही हूँ, येलो कलर से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर का यूज़ करूँगी जिसमें मैं टूथपिक, थोड़े से बड़े डॉट्स बनाने के लिए अब मैं टूथपिक जो मैंने यूज़ किया है उस टूथपिक के बैक साइड को यूज़ करूँगी ताकि थोड़े से बड़े डॉट्स बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये पैटर्न बन के तैयार है और कैसे सनराइज़ जो मैं दिखाना चाहती थी वो मैंने तैयार कर लिया है। तो इसमें बेसिकली ये जो मैंने लैंडस्केप लिया है इसमें मैं सनराइज़, थोड़ा सा रेनबो, पहाड़ और थोड़ा सा ग्रीन पार्ट ज़मीन का और उसके नीचे मैं वाटर दिखाना चाहती हूँ। तो ये बच्चों के लिए ही मैंने बनाया है ताकि बच्चे ये करें, बच्चों को ऐसी पेंटिंग्स बहुत पसंद आती है। तो मैंने इसको डॉट आर्ट में ही इस पेंटिंग को लिया है ताकि वो लोग डॉट तो सीख ही रहे हैं मेरे वीडियोस के थ्रू, तो जब ऐसे लैंडस्केप बनाएंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और अलग लगेगा। तो मेरे आर्ट लवर्स, यहाँ पे मैं Q-tip का यूज़ कर रही हूँ, Q-tip बोल लो या फिर आप इसको ईयरबड भी बोल सकते हो, ये तो हमारे घर में अवेलेबल होता ही है। तो ये इसके हेल्प से मैं थोड़े से, जो आप डॉट का साइज़ देख रहे हैं वो थोड़ा बड़ा है, तो उसकी हेल्प से मैंने ये बड़े डॉट्स बना लिए। और यहाँ हम माउंटेन्स बनाने जा रहे हैं तो मैं पहले आउटलाइन करूँगी बड़े डॉट्स के साथ, फिर इसको फिल करूँगी। यहाँ पे मैंने जो भी कलर्स यूज़ करे हैं वो सब मैंने डिस्प्ले में रखा है, मैंने इन्हीं कलर्स को यूज़ करके ये वाली पेंटिंग क्रिएट करी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करी है जो कि साइक्राफ्ट्रीक्रिएशंस.com के नाम से है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने डाली हैं, आप चेक कर सकते हैं और वो अवेलेबल है सेलिंग के लिए भी, और आप एक बार देखकर उसमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं मुझे। तो यहाँ पे मैंने ये आउटलाइन कंप्लीट कर लिया है और एक ब्रश की हेल्प से मैं बाकी डॉट्स बनाऊंगी जो कि मीडियम साइज़ के डॉट्स हैं। और मैंने यहाँ पे मस्टर्ड येलो कलर यूज़ किया है पहले, और ये जो ब्रश है इसके बैक साइड को यूज़ करके ही मैंने ये जो डॉट का साइज़ है ये लिया है। तो आप भी किसी ब्रश के बैक साइड को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे वहाँ पे एक कील भी रखा है, नेल रखा हुआ है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ी इस पेंटिंग में, बट आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे को, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे आर्ट से कुछ भी सीखते हैं, मेरे वीडियोज़ देखने के बाद कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो ज़रूर से मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप कुछ मेरे से सीख कर और मेरी हेल्प से
आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नया बना रहे हैं जो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट आप ज़रूर से करें। अब मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है जो कि डार्क ब्राउन है। इस डार्क ब्राउन से मैं इसको फिल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियोज़ को, और फिर आपको अगर कुछ कुछ भी आप सीखते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अब यहाँ पे हम रेनबो बनाएंगे, और रेनबो के जो 7 कलर्स हैं वो कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं मैंने वायलेट कलर यूज़ किया है, और वही क्यू टिप की हेल्प से मैंने ये बड़े डॉट्स लगाए हैं। फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि स्पेस कंस्ट्रेन हो रहा है या आपको थोड़ा कम मिल रहा है स्पेस, तो आप थोड़े से छोटे डॉट्स भी बना सकते हैं। बट मेरे सीडी के हिसाब से मैंने पहले तो थोड़े बड़े डॉट्स लगाए, बट उसके बाद मुझे लगा थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैंने थोड़े छोटे डॉट्स, बट उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें जो बेसिकली चाहिए था वो था एक लैंडस्केप क्रिएट करना, और वो हो गया है विथ बिगर डॉट्स एंड स्मॉल डॉट्स। वैसे आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने हर चीज़ यहाँ पर लिख भी दिया है, और मैं आपको बता भी रही हूँ कि मैंने कौन से कलर यूज़ करे हैं। वैसे ये सारे एक्रेलिक कलर्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ पेंटिंग के लिए, स्पेशली जब मैं किसी भी बेस पर कर रही हूँ। अगर मैं कैनवास पे कर रही हूँ तभी भी मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ करती हूँ, अगर मैं प्लास्टिक पे कर रही हूँ देन ऑल्सो आई यूज़ एक्रेलिक पेंट, और अगर मैं वुडन पे भी करती हूँ तभी भी आई यूज़ एक्रेलिक पेंट्स। मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के एक्रेलिक पेंट्स हैं, मैं जो यूज़ करती हूँ वो है फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर्स। आप भी वही यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे हैं और रीज़नेबल कॉस्ट पे मिल भी जाता है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़कर, और फिर मुझे लगता है कि मुझे और नए वीडियोज़ लाने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियोज़ भी मैं बना रही हूँ अभी, जो कि दिवाली से रिलेटेड होगा, डेकोरेशन से रिलेटेड होगा। तो आप लोग ज़रूर से मेरे साथ जुड़े रहें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो रेनबो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखिए, आप मेरे को थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा था तो मैंने वहाँ पे रेनबो तो बनाना ही है, तो मैंने क्या किया, मैंने टूथपिक की हेल्प ली और उससे थोड़े टाइनी डॉट्स बनाकर उस रेनबो को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हम ग्रीन पार्ट बनाएंगे। अब ज़मीन पहाड़ के नीचे थोड़ी सी तो हमें ग्रीनरी भी दिखानी है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से एक या दो लाइन में बनाऊंगी, उसके बाद मैं वाटर बनाऊंगी जो कि पानी का पूरा मैं दिखाऊंगी। तो आप देखते रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखें तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए, मैंने पहले डार्क ग्रीन यूज़ किया है, देन मैंने लाइट ग्रीन यूज़ किया है। लाइट ग्रीन यूज़ करने के बाद हम वाटर बनाएंगे। यहाँ मैंने क्यू टिप की हेल्प से थोड़े से रैंडमली मैंने ये डॉट्स बना लिए हैं बड़े वाले। अब इसको हम फिल करेंगे छोटे डॉट्स के साथ। ये डॉट्स बनाने के लिए आपको रैंडम डॉट्स डालने हैं, आपको कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना है। और इसमें जब आप डॉट्स बना रहे हैं तो आपको वो पानी जो है वो पूरा फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर बैक साइड लिया है टूथपिक का भी, और उसका फ्रंट साइड भी लिया है, और फिर मैंने पेंट ब्रश के बैक साइड से भी इसको पेंट किया, और क्यू टिप से मैंने बनाया है। अब जब भी ऐसे बनाएं तो आप एक ही बार में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था इसको पूरा ड्राई होने में, ताकि ये ड्राई होने के बाद मैं इजीली काम कर सकूं। फ्रेंड्स, हम लोग साइक्राफ्ट क्रिएशंस के नाम से फेसबुक पर भी हैं। अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक करें, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ,
तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, और जो भी क्रिएट करें ज़रूर से आप मुझे टैग भी कर सकते हैं या फिर मेरे साथ DM करके मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। इतना खूबसूरत लग रहा है ना, तो ज़रूर से मेरे साथ शेयर करें, मुझे बताएं आपको कितना पसंद आया। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द ही आऊँगी। थैंक यू।